तो फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूँ। मैं हूँ रोशन और आप देख रहे हैं डिजिटल जोन रोशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप राशन कार्ड डाउनलोड करने के लिए। आप जो नया राशन कार्ड बनवाए होंगे तो अगर आपका अप्रूवल हो चुका है तो आपका राशन कार्ड कहाँ से डाउनलोड करना है मैं उसका कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। जो कि यहाँ पर कुछ दिन पहले ही यहाँ पर राशन कार्ड ऑनलाइन हो रहा था और अभी भी ऑनलाइन हो रहा है राशन कार्ड। तो उन सभी का जो अभी तक ना आप सभी ने अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद जो आपका अगर कंप्लीट हो गया प्रोसेस, तो अगर स्टेटस देखने के लिए, तो स्टेटस देखने के लिए मैं एक स्पेशल पहले ही वीडियो बना दिया हूँ। आप चैनल पर जाकर स्टेटस देखने वाला वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं अगर फाइनल सबमिट हो चुका है या नहीं हुआ है, आपका कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो वहाँ से देखकर आप अगर कंप्लीट हो चुका होगा, यहाँ से राशन कार्ड जनरेट कर दिया गया होगा नंबर, तो आप राशन कार्ड डाउनलोड करने के लिए मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दे रहा हूँ कि कैसे आपको राशन कार्ड डाउनलोड करना है। आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें आपको सभी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि आपको कैसे राशन कार्ड डाउनलोड करना है और किस तरह से आपको राशन कार्ड प्रिंट होगा और कैसे कैसे चेक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मन में किसी भी तरह का सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि मैं आपको सोल्यूशन देने का कोशिश करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने सिस्टम के क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आपको क्या करना होगा, टाइप करना होगा सर्च बॉक्स में EPDS बिहार टाइप कर सकते हैं या इसी तरह से कर सकते हैं। अगर आप बिहार से हों तो मैं बिहार से हूँ, यहाँ पर EPDS टाइप किया हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ EPDS बिहार GOV.in यहाँ पर लिखा हुआ है। इस वाले वेबसाइट पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। चलिए इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करोगे तो आपको पेज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखने के बाद आपको यहाँ से आपको ऑनलाइन होता है, यहाँ पर से ऑनलाइन होता है। लेकिन मुझे यहाँ पर चेक करना है यहाँ पर कि यहाँ पर डाउनलोड करना है, यानी कि RC प्रिंट करना है मुझे कि मुझे मेरा राशन कार्ड बना है अथवा नहीं। तो यहाँ से चेक करना होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको आना होगा RCMS रिपोर्ट। इस पर आपको एक बार क्लिक करना होगा। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको पेज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। जैसे मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और क्लिक करने के बाद ऐसा पेज आएगा। पेज आने के बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना होगा, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से होंगे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद शो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आता है। जैसे पहला यहाँ पर है, यहाँ पर रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र से, और यहाँ पर अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्र से। आप अगर शहर से होंगे तो यहाँ पर अर्बन पर क्लिक करेंगे, अगर गाँव से होंगे तो यहाँ पर रूरल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ब्लॉक का नाम सेलेक्ट कर लेना है। चलिए ब्लॉक का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर पंचायत का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी पंचायत आपका हो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेज यहाँ पर गांव का नाम आएगा, जिस भी गांव से आप होंगे तो उस गांव का यहाँ से नाम सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से क्लिक करेंगे और यहाँ पर सभी का डिटेल यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ पर जिनका यहाँ पर राशन कार्ड पहले से बना हुआ है या जिनका नया बना है, सभी का यहाँ पर राशन कार्ड नंबर दिखाया गया है और कार्ड का टाइप कैसा है यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद यहाँ पर आपको जिसके नाम से कार्ड है वहाँ उसका नाम यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद यहाँ पर फादर नेम यहाँ पर दिखाया गया है या हस्बैंड नेम, और इसके बाद यहाँ पर आपको मेंबर दिखाया है, कितने मेंबर उस राशन कार्ड में है, और यहाँ पर आपको दिखाया गया है FPS डिटेल डीलर यानी कि किन के पास आपको राशन मिलता है, उन सभी का यहाँ पर डिटेल दिया गया है। तो यहाँ पर आपको खोजने के लिए कि आपको यहाँ से सभी को नाम से चेक करना होगा, नाम और फादर नेम से मिलाना होगा किन का यहाँ पर बना हुआ है, तो सभी को डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कम से कम यहाँ पर कितना होने, तो यहाँ पर आठ पेज है यहाँ पर। तो आठ पेज में से जिस अगर मान लीजिए पहला पेज में नहीं मिलता तो यहाँ पर दूसरा पेज पर क्लिक करें, दूसरा पर नहीं मिलता तीसरा पर, इस तरह से आपको क्लिक करके आपको चेक करना होगा। जैसे मैं दूसरा पर क्लिक करता हूँ, दूसरा पर क्लिक करेंगे तो पेज ऐसा ही ओपन होगा। इसके बाद यहाँ पर मान लीजिए आपका नाम अगर ये है, पहला वाला नाम ये वाला मिल गया है, तो क्या करेंगे, ये वाला जो यहाँ पर लिखा हुआ है जो कार्ड नंबर, इस पर आपको एक बार क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका कार्ड सभी डिटेल यहाँ पर शो कर जाएगा और यहाँ पर यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पर आपको प्रिंट पेज पर क्लिक करना होगा, यहाँ से आप अपना प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद आपको यहाँ पर आप राशन ले सकते हैं इसी तरह से। तो यहाँ पर प्रिंट करने का यही एक तरीका है, इस तरीका से आप प्रिंट कर सकते हैं राशन कार्ड को, और अपना का जहाँ भी राशन डीलर है जहाँ पर आपका राशन मिलता है उनके पास जाकर अपना राशन यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो यही थी अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर मन में किसी भी तरह का सवाल होगा इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।